अपने पुरखों के उस कद को महसूस करिए जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया। मुल्क की आजादी के बाद उन पर किताबें नहीं छापी गईं, इस देश में उन पर कुछ पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली, विश्वविद्यालयों में शोध नहीं हुआ। गोया बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो जाएंगे, फूले खत्म हो जाएंगे, बिरसा मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के किसी भी कोने में हक हुकूक के लिए कोई भी आवाज अगर उठती है तो उन आवाजों में प्रेरणा स्रोत के रूप में भारत के संविधान के साथ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार एक नजीर, एक उदाहरण बनकर के हमारे सामने है। मिटाने वाले मिट गए और आज उम्मीदों का नया सूरज हमारे सामने है।